इस वीडियो में हम मानसिंह के मुगल सेवा में जो द्वितीय चरण था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको विदा विदित है कि प्रथम चरण के अंतिम दौर में यानी भगवान दास की मृत्यु हो गई थी, आमिर आ गए थे मानसिंह, वहीं पर 5000 का मनसबदार बनाया गया था, राजा खिताब दिया मानसिंह को। उसके बाद में पुनः ये उड़ीसा बिहार लौटे और बिहार लौटने के बाद में उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के हिंदू राजा थे गिरधर के पूर्णमल, इसके साथ खड़गपुर के संग्राम सिंह, इनको परास्त किया। उसके बाद में क्या हुआ, उड़ीसा में शांति व्यवस्था के लिए कार्य करते हैं, तो उड़ीसा बंदे करते हैं, उड़ीसा अभियान प्रथम ये 1590 ईस्वी। यहां पर कतलु खां हुए, उनके पुत्र नासिर खां, इनके नेतृत्व में क्या हो रहा था, निरंतर उद्धर हो रहा था कतलु खां और नासिर खां के नेतृत्व में। मानसिंह ने इनके ऊपर सैन्य प्रहार करके पहले कतलु खां को परास्त किया, उसके बाद में नासिर खां को परास्त किया। नासिर खां ने अधीनता स्वीकार कर ली, बहुमूल्य उपहार दिए अकबर के लिए, अकबर की अधीनता स्वीकार की। उसके साथ साथ पूरी का जंगनाथ वाला इलाका वो मुगलों के अधीनता में आ गया। जिस प्रकार से ये माना गया कि प्रथम अभियान सफल रहा है, लेकिन वास्तव में सफल नहीं रहा था। उसके बाद में क्या किया, जो खुदा यानी ये खुदा नामक जगह है यहाँ के साथ जो शासक थे रामचंद्र, इनके विरुद्ध अभियान किया, किसने, मानसिंह ने, और खुदा के राजा रामचंद्र ने अधीनता स्वीकार कर ली। इसके साथ अपनी पुत्री का विवाह भी मानसिंह के साथ करके अपने संबंधों को और ज्यादा प्रगाढ़ कर लिया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 1590 ईस्वी का ये अभियान पूर्ण रूप से सफल रहा, लेकिन जैसे ही ये वापस लौटे पुनः ये कतलु खां नासिर खां के जो अनुयायी थे उनके द्वारा पुनः विद्रोह शुरू कर दिया जाता है, अफगानों के द्वारा पुनः विद्रोह शुरू कर दिया जाता है, पुनः अभियान किया जाता है मानसिंह के द्वारा। तो इस प्रकार से उड़ीसा में निरंतर अफगानों के विद्रोह होते रहे। उसी दौरान क्या हुआ, बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया जाता है मानसिंह को, बंगाल का सूबेदार सईद खां के स्थान पे 1594 ईस्वी में नियुक्त किया, और किसके स्थान पे नियुक्त किया, सईद खां के स्थान पे नियुक्त किया, क्योंकि बंगाल में निरंतर उधर हो रहे थे ईसा खां और मासूम खान, क्योंकि मासूम खान और ईसा खान निरंतर उद्धरों मचा रहे थे, उन उद्धरों से बड़े परेशान थे मुगल सम्राट अकबर, इनके दमन करने के लिए सईद खान स्थान पर मानसिंह को सूबेदार नियुक्त किया। मानसिंह ने आखिर में क्या किया, एक तो कांडा की जगह राजधानी चेंज की, पहले राजधानी कांडा थी उसके स्थान पर नई राजधानी बनाई, कहा अकबरपुर नाम दिया था, इसका राजमहल का यानी राजमहल का जो इलाका है उसका नाम मानसिंह ने अकबरपुर दिया और उसको राजधानी बनाया। उसके बाद में इन विद्रोहियों के विरुद्ध अभियान करके इनको एक बार खदेड़ दिया, और उसके बाद में जो कुछ बिहार का इलाका है वहाँ पर, कुछ बिहार के राज्य में जो हिंदू राज्य था वहाँ पर आंतरिक झगड़ा हो गया, और झगड़े का फायदा उठा करके मानसिंह ने उनको भी मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। उसके बाद में उनके आसपास के जो और इलाके थे वो भी मुगल अधीनता में आ गए। ऐसा लग रहा था कि मानसिंह ने बंगाल में शांति स्थापित कर दी है, परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही इनका स्वास्थ्य खराब हुआ उपद्रवियों ने पुनः उपद्रव फैलाना शुरू कर दिया, और उस अभियानों में उनके विरुद्ध अभियानों में उनके जो पुत्र थे दुर्जन सिंह और हिम्मत सिंह वो काम आ गए, यानी वो शहीद हो गए, मारे गए। अब उसके बाद में मानसिंह का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उन्होंने अकबर को ये प्रार्थना की कि मुझे आमिर आने की आज्ञा दी जाए। तब मानसिंह को ये छूट मिल गई, तब 1598-99 ईस्वी में आमिर आ जाते हैं, और पीछे से अपने पुत्र मानसिंह का जो पुत्र था जगत सिंह, इसको अपनी जगह बंगाल में छोड़ के आ जाते हैं जगत सिंह को, परंतु जगत सिंह भी वहाँ पर उपद्रवियों के हाथों 1599 ईस्वी में मारे जाते हैं, और इस वजह से मानसिंह को बड़ा कष्ट होता है और वो टूट जाते हैं। उसके बाद में बंगाल में पुनः यानी हमने देखा कि 1599 ईस्वी में जगत सिंह उपद्रवियों के साथ लड़ते हुए मारे गए, इसके साथ साथ इलाहाबाद वाले इलाके में सलीम ने विद्रोह कर दिया था, इससे अकबर बड़े रुष्ट थे, इसके साथ साथ असीरगढ़ में सेना मुगल सेना किले को घेरे हुई थी, तो सलीम के विद्रोह की वजह से फैली अव्यवस्था का फायदा उठाकर बंगाल के विद्रोहियों ने एक बार पुनः विद्रोह कर दिया। उनके विद्रोह का दमन करने के लिए बंगाल पुनः भेजा गया किसको, मानसिंह को, और मानसिंह ने जाकर के ईसा खां और उनके जो मासूम खां के जो अनुयायी थे सुजा खां के विरुद्ध अभियान किया और सुजा खां को परास्त कर दिया। सुजा खां ने जो मुगल सेवक यानी मुगल जो प्रशासक था रज्जाक बख्शी था, ये उसको बंदी बना रखा है, सेना नायक था सेनापति, इसको बंदी बना रखी, इसको मुक्त करवाया सुजा की भिन्नता से, सुजा को परास्त किया, और उसके बाद में आगे बढ़ करके उन्होंने ढाका पर भी आक्रमण किया। ढाका का जो शासक था उसमें केदार आया,
केदार राय के पास क्या केदार राय जी की अधीनता स्वीकार कर ली, जिस प्रकार से झापावर इलाके तक उन्होंने मानसिंह ने आधिपत्य स्थापित किया, लेकिन फिर भी यह तरतर इनके अफगानों के विद्रोह होते रहे बंगाल वाले इलाके में। अब क्या देखते हैं दूसरी ओर आगरा में अकबर का स्वास्थ्य निरंतर गिर जाता है, खराब हो जाता है, एक तो सलीम निरंतर विद्रोह व्यवहार कर रहा था इस वजह से, और दूसरा अकबर का जो पुत्र था शहजादानी आज उसकी मृत्यु हो गई थी, तब क्या है अकबर ने मानसिंह को आगरा बुलाया, तो आगरा आगमन मानसिंह का आगरा आगमन वह अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में। सलीम के निरंतर उपद्रवी व्यवहार की वजह से और दानियाल के आकस्मिक देहांत की वजह से अकबर भीतर से टूट गए थे और वे निरंतर बीमार रहने लगे थे, तब उन्होंने मानसिंह को बंगाल से आगरा बुलाया और आगरा बुला करके उसको मानसिंह को खुसरो खान जो कि सलीम का लड़का था उसका संरक्षक नियुक्त कर दिया। तब मानसिंह ने भी खुसरो खान को सलीम की बजाय उत्तराधिकारी बनाए जाने की इच्छा व्यक्त की थी और इसी वजह से मानसिंह के बाद में सलीम के साथ संबंध भी बिगड़ गए थे, और उसके बाद में अक्टूबर 1605 ईस्वी में मानसिंह का यानी अकबर का ध्यान तो जाता है। अकबर ने अपनी मृत्यु से पूर्व मानसिंह को 7000 का मनसबदार बनाया था, ये भी बहुत बड़ा पद था जो सिर्फ और सिर्फ राज परिवार के लोगों को ही मिलता था, तो इस प्रकार से साबित होता है कि मानसिंह अकबर का कितना विश्वस्त था, ये बात इससे साबित होती है। अगले वीडियो में हम देखते हैं इसके तृतीय चरण के बारे में।